गोलगप्पे तो सभी के फेवरेट होते हैं। किसी को मीठा पानी पसंद होता है, किसी को खट्टा पानी। आज हम दोनों ही बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पे और उसका खट्टा मीठा पानी। इसे मैं घर के बिल्कुल सिंपल मसालों से बनाऊंगी और इसमें कोई भी कलर या प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करूंगी। गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले हम लेंगे 150 ग्राम इमली। ये मैंने बिना बीज वाली इमली ली है। इसे हम एक बॉल में डालेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे 1 गिलास गरम गरम पानी, जिससे इमली भीग कर एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। इसे हम आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे, फिर हम इसका पल्प रेडी करेंगे। अब हम एक मसाला रेडी करते हैं जो खट्टे और मीठे दोनों पानी में यूज़ होगा। एक तवे पर हम लेंगे 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 8 से 10 काली मिर्च और थोड़ी सी लेंगे हम हींग। हींग ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसे स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आने लगती। 2 से 3 मिनट में ये रोस्ट हो जाता है और जब ये ठंडा हो जाए तो एक हमाम दस्ते में या चकले बेलन पर इसे हम कूट लेंगे। हम इसे मिक्सी में नहीं ग्राइंड करेंगे, इसे हमें दरदरा ही कूटना है। इस तरीके से ये देखिए मसाला हमारा रेडी है एकदम। इमली को हम देख लेते हैं, ये भी सॉफ्ट हो गई है एकदम, ये देखिए। अब एक विस्कर की हेल्प से हम इसे इस तरीके से विस्क कर लेंगे, इससे इसकी सारी खटास इस पानी में आ जाएगी। अब एक स्ट्रेनर से हम इसे छान लेंगे ताकि जो ये सारे रेशे वगैरह हैं ये अलग हो जाएं और हमारा पल्प रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। पहले हम बनाते हैं खट्टा पानी। उसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें डालेंगे 2 मुट्ठी धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना और 2 हरी मिर्च, छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इसमें हम बर्फ़ डाल देंगे ताकि ये पुदीना काला ना हो, इसका हरा रंग बरकरार रहे। एक स्ट्रेनर लेंगे और इसे हम छान लेंगे, इस तरीके से दबा दबा के छानेंगे ताकि इसका सारा फ्लेवर नीचे पानी में आ जाए। अब हमने जो पल्प रेडी किया था वो हम इसमें डालेंगे, 2 करछी भरकर डालेंगे हम, और इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर ठंडा पानी, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के चाट मसाला। और जो ये हमने कूट के मसाला रेडी किया था 1/2 चम्मच हम ये भी इसमें डाल देंगे। हमारा खट्टा पानी देखिए रेडी है। इसमें 2 नींबू के स्लाइस डाल के थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऊपर से डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ी सी ऊपर से बूंदी। इसे हम फ्रिज में रखेंगे तभी इसका रंग एकदम हरा रहेगा, नहीं तो उसका कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बना लेते हैं हम मीठा पानी। इसके लिए हम 2 करछी इमली का जो हमने पल्प रेडी किया था वो लेंगे और लेंगे 2 चम्मच गुड़, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी। इसमें 2 हम चुकंदर के पीस डालेंगे ताकि इसका कलर रेड हो जाए और गुड़ के मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना हमें इसे। देखिए ये ठंडा हो गया है, इसे हम दोबारा स्ट्रेन कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर ठंडा पानी, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, चाट मसाला 1 चम्मच और ये है सौंठ पाउडर, जिसे जिंजर पाउडर भी कहा जाता है, वो हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच। ये मीठे पानी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो मसाला हमने कूट के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, थोड़े से डाल देंगे मेलन सीड्स और डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी। हमारा मीठा पानी भी रेडी है। अब हम गोलगप्पे में भरने के लिए मसाला रेडी करते हैं। उसके लिए लेंगे उबला हुआ आलू, थोड़े से उबले हुए चने और 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जलजीरा और लाल मिर्च। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमारा मसाला रेडी है। अब हम गोलगप्पे भी फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए इसमें इस तरीके से गोलगप्पे निकलते हैं। इसे बस हमें फ्राई करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। अच्छे से गरम ऑयल में हम इसे डाल देंगे और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं गोलगप्पे। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। गोलगप्पे भी हमारे रेडी हैं। अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। खट्टा पानी ये रहा, मीठा पानी भी एकदम रेडी है, गोलगप्पे भी हमारे रेडी हैं और स्टफिंग के लिए मसाला भी रेडी है। एक गोलगप्पा लेंगे, उसे हम बीच में से इस तरीके से तोड़ लेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये गोलगप्पे। इसमें हम डालेंगे आलू और छोले की जो स्टफिंग हमने रेडी की थी वो अच्छे से भर लेंगे हम इसे। और अब हम इसमें भर देंगे
हमारा फेवरेट ग्रीन पानी। जिसे रेड पानी पसंद है उसके लिए हम रेड पानी वाला गोलगप्पा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टफिंग भर के ये हमारा बन गया मीठे पानी का गोलगप्पा। गोलगप्पे के कई नाम होते हैं, जैसे कि पानी पूरी, पुचका, पताशे। आपके यहाँ गोलगप्पे को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोलगप्पे और उसका पानी देखकर जिस जिसके मुँह में पानी आया है फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।